मेरा नाम डॉक्टर योगेश अशोक कुमार बंग, मैं नागपुर में पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं एक सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। बेसिकली मैंने मेरा शिक्षण या मेरी पढ़ाई जो है वो MS जनरल सर्जरी GMC नागपुर से किया है और उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन किया है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। ये मैंने हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से किया था और पिछले 3 साल से मैं नागपुर में काम कर रहा हूँ। जी सर, अगर गैस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें, गैसेस के बारे में बात करें, तो बहुत सारी बीमारियों की जड़ एक गैस होती है। क्या कहेंगे सर, गैसेस के से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, गैस जो बोलते हैं बेसिकली ऐसा है कि गैस के बारे में एक मिथ है या लोगों को जो पेट की सारी प्रॉब्लम्स है वो गैस के साथ कोरिलेट करते हैं। गैस 2 या 3 तरह से प्रेजेंट करती है। एक है एसिडिटी, जो सबसे ज़्यादा कॉमन हमको OPD में देखने मिलता है या ज़्यादातर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पेशेंट एसिडिटी के साथ आते हैं, जिसे लोग गैस समझते हैं। तो हमारे खाने पीने की आदतें या हमारे खाने पीने के टाइमिंग्स जो कि काफ़ी इररेगुलर है, या खाने पीने में जंक फूड खाने की बोलो या फ्राइड आइटम्स खाना बोलो या स्पाइसी ऑयली खाने की आदतें हैं, इस वजह से पेट में थोड़ी एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है और वो एसिडिटी पेशेंट को दर्द करती है, कई बार छाती में जलन करती है, गले में खराश जैसा करती है, पेशेंट को बार बार डकार आती है। वो डकार को पेशेंट गैस बोल के प्रेजेंट करता है, या तो इस तरह का गैस जिसमें पेशेंट को कब्जियत हो, पेशेंट का संदास साफ ना हो और पेशेंट को इस तरह का फीलिंग रहे कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, जिस वजह से पेट फूला फूला लगे, जिसे वो एक गैस के रूप में प्रेजेंट करता है या बोलता है मुझे बहुत गैस हो गई, राइट। तो हमारे जो OPD के पेशेंट्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं वो एक एसिडिटी और दूसरे कब्जियत वाले पेशेंट जो बोलते हैं कि पेट साफ नहीं हो रहा है, जिस वजह से गैस हो रहा है। पेट साफ ना होने का भी कारण यही है कि हमारा डेली वाटर इंटेक जो है जो कम से कम 3.5-4 लीटर होना चाहिए, खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जिस तरह से फ्रूट्स खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, सलाद खाने चाहिए रेगुलरली, वो इंटेक ना होने की वजह से या रेगुलर ना होने की वजह से कब्जियत होती है, पेट साफ नहीं होता और ये सारी चीज़ें गैस बोल के प्रेजेंट करते हैं या पेशेंट को लगता है पेट में गैस अकड़ी हुई है या जकड़ी हुई है, जिसके साथ पेशेंट बोलता है कि मुझे गैस हो रहा है या गैस का प्रॉब्लम है। जी, गैस्ट्रोलॉजी में कौन कौन सी गैस के वजह से या अदर सब्जेक्ट से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो रेयर देखी जाती हैं? देखिए, गैस का प्रॉब्लम ऐसा है कि कई पेशेंट गैस समझकर कई दिनों तक ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं या उसको एसिडिटी बोलकर चलते रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी रेयरली ये पाया जाता है कि उनको कहीं ना कहीं कोई आंतड़ी का कैंसर निकल जाता है। जैसे 50 साल की उम्र के ऊपर अगर कोई पेशेंट है जिसको शुरुआत हुई है गैस की, आज तक कभी नहीं हुआ लेकिन अचानक शुरू हुई है एसिडिटी, जो कि अचानक शुरू हुई है, इसको अगर हम एसिडिटी बोल के सिर्फ गोलियां खाते रहे या एसिडिटी ये रहे, तो कभी कभी ये पाया गया है कि नया सिम्टम शुरुआत हुआ है। ऐसे पेशेंट्स में 1-6 महीने डाउन द लाइन अगर ठीक नहीं हो रहा है और फिर टेस्ट करने जाओ तो कभी कभी कैंसर पकड़ा जाता है पेट का। कारण ये कि पेट का कैंसर है, पेट से खाना ठीक से आगे नहीं जा रहा है, वो खाना एसिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, उल्टी हो रही है। तो पेशेंट शुरुआत के कुछ दिन तो एसिडिटी बोल के एसिडिटी की गोली खा लेता है लेकिन कैंसर पकड़ा जाता है। तो गैस की वजह से कैंसर हुआ ये नहीं है, लेकिन गैस है बोल के पेशेंट नज़रअंदाज करता है सिम्टम और वो सिम्टम कई बार कैंसर का हो सकता है। सो हर चीज़ गैस से जो संबंधित है वो एसिडिटी नहीं होती, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बचपन से है या एक उम्र से कई दिनों से गैस है या एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो ठीक है, लेकिन अगर ये गैस का प्रॉब्लम अचानक शुरू हुआ है, उम्र 50-55 के ऊपर है, खाने की इच्छा कम हो रही है, भूख लगना कम हो गई है, पहले आप 4 चपाती खाते थे, आज 2 चपाती भी पेट भर रहा है, या तो अपने आप वजन कम हो रहा है, तो उसको गैस समझ के मत चलिए। उस चीज़ को किसी डॉक्टर को दिखाकर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाकर टेस्ट करवाइए, कभी कभी वो कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं। तो गैस की वजह से कोई बीमारी हुई ऐसा नहीं है, गैस एक सिम्टम है जिसको कभी कभी पेशेंट लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लंबे दिन तक खींच लेते हैं और फिर वो पता चलता है कैंसर। इसी तरह संडास साफ ना होना, ये एक सिम्टम बहुत कॉमन रहता है, संडास साफ नहीं हो रही। किसी किसी पेशेंट को इस तरह होता है कि कब्जियत होती है, कुछ दिन तक कब्जियत रहती है, कुछ दिन तक लूज मोशन होते हैं। अगर ओल्ड एज में इस तरह का सिम्टम है कि 10-15 दिन तक संडास साफ नहीं होती और फिर 10-15 दिन तक पतली संडास होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कि शायद बड़ी आंतड़ी का कैंसर हो, जिसमें आंतड़ी में कैंसर होने की वजह से आंतड़ी जकड़ जाती है, संडास ब्लॉक हो जाती है, इसलिए पेशेंट को ठीक से संडास नहीं होती। फिर जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है उस संडास में तो लूज मोशन हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग एपिसोड ऑफ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन।
तो ये एक सिम्टम है, लेकिन पेशेंट उसको इन्फेक्शन इन्फेक्शन बोल के नज़रअंदाज करता है, आसपास में कहीं दिखा देता है तो कोई डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक लिख के दे देते हैं, वो टेम्पररी रिलीफ हो जाता है। लेकिन ये सिम्टम ओल्ड एज में अगर आते हैं तो इट कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर, जो कि एक रेयर प्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ रहता है किसी किसी पेशेंट में, वो नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। जी, हम रेयर बीमारी के बारे में अगर बात अगर करें, अब तक के किडनी स्टोन के बारे में हमने सुना हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया पैनक्रिया स्टोन जो है, ये क्या होता है, किन कारणों से होता है, क्या कहेंगे? देखिए, स्टोन की अगर बात की जाए तो बॉडी में जो ज़्यादातर लोगों को पता है स्टोन, वो है किडनी के स्टोन या तो गॉल ब्लैडर के स्टोन या पित्त की थैली के स्टोन। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में पैनक्रियाज के स्टोन होना, जिसको हम क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की बीमारी बोलते हैं, ये भी एक आजकल थोड़ी जो कि रेयर बीमारी थी पर आजकल थोड़ी ज़्यादा पाई जा रही है, या तो जो प्रॉपर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है इनके पास ये पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि आजकल ये डायग्नोसिस ज़्यादा अच्छे से पकड़ा जा रहा है, जो कि पहले पेन किलर पर या एसिडिटी की दवाइयों पर कई पेशेंट मैनेज हो जाते थे, जिनका टेस्ट नहीं होता था या करते नहीं थे तो पकड़े नहीं जाते थे। पैंक्रियाज में स्टोन होना, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, इसका सबसे बड़ा कारण है दारू का सेवन, अल्कोहल इनटेक, जो कि जो हमारे रूरल एरियाज है यहाँ पर बहुत कॉमन है। इस तरह की जो देसी दारू बोलो या लो क्वालिटी की अल्कोहल बोलो, जो ज़्यादा डैमेज करती है लीवर को या पैंक्रियाज को, इस वजह से क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी होती है, जिसमें पैंक्रियाज की नली में स्टोन बन जाते हैं। जिस तरह किडनी की नली में स्टोन बनने की वजह से किडनी का दर्द उठता है, उसी तरह पैंक्रियाज की नली के स्टोन में भी पैंक्रियाज का दर्द उठता है, जो कि ऊपर की तरफ होता है और बहुत सीवियर पेन जो कि पीठ के तरफ भी जाता है। इस तरह के पेशेंट्स को बार बार हॉस्पिटल में जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ पेन, और फिर वहाँ पर लोकल डॉक्टर या लोकल हॉस्पिटल में उसको पेन किलर दिया जाता है, जिससे वो ठीक हो जाता है। कई पेशेंट जो इसके बारे में ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, वो फिर और टेस्ट करवा कर पता करते हैं, तब पता चलता है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है। या तो गाँव खेड़े में या छोटे गाँव में लोग दर्द कम हो गया, चलो काम पर लग जाओ, फिर वापस कभी दारू पिए तो वापस अटैक आता है पैंक्रियाटाइटिस का, इस तरह से चलते रहता है। तो पैंक्रियाटाइटिस की ये क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी है, जिसमें पैंक्रियाज में भी स्टोन पाए जाते हैं। जी, मुख्यतः अगर इसकी उपचार संबंधित बात की जाए तो किस तरह से इसके उपचार करें? तो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के उपचार में सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि दारू का सेवन टोटली बंद करना है। इस तरह की बीमारी में हम एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, ताकि जो पैंक्रियाज में इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है वो कम करता है। दवाइयों से शुरुआत करें तो इस तरह से हम दवाइयाँ देते हैं, साथ में पेन किलर देते हैं। 40-50% पेशेंट अगर अल्कोहल बंद कर दे और एंटीऑक्सीडेंट्स और पेन किलर ले तो दोबारा कभी पेन नहीं हो, लेकिन कुछ पेशेंट्स में पेन दोबारा हो सकता है। अगर इस तरह का पेन होता है तो हम इसका एंडोस्कोपी से इलाज करने का कोशिश करते हैं, जिससे एंडोस्कोपी के द्वारा हम सारे स्टोन निकाल लें और पैंक्रियाज को पूरा साफ कर दें। एंडोस्कोपी से अगर स्टोन नहीं निकल रहे तो इसको शॉक देकर, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, जिससे पैंक्रियाज के स्टोन को हम चूरा कर देते, रेत जैसा बना देते और स्टोन निकाल देते। अगर इन सबसे भी नहीं मैनेज हो रहा है तो फिर सर्जरी करते हैं, जिसमें पैंक्रियाज की नली पूरी खोली जाती है, पूरे स्टोन साफ किए जाते हैं और उसको एक आतड़ी के साथ जोड़ दिया जाता है, ताकि ये दर्द पूरी तरह जा रहा हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या सबसे पहली चीज़ किसी भी पेशेंट को जो करनी है वो ये है कि दारू का सेवन टोटली बंद करना। जब तक दारू का सेवन बंद नहीं होगा ये बीमारी पूरी जड़ से नहीं जाएगी। जी, आपने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज किया हुआ है, हमारे क्लिनिक में कौन कौन सी सेवाएं हम पेशेंट को देते हैं इस संबंध में? हमारे क्लिनिक में हम बेसिकली एज अ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, हम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस है, सर्जिकल पेशेंट्स हैं इनका ज़्यादातर इलाज करते हैं। जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमनली देखी जाती बीमारी वो है पित्त की थैली के स्टोन, जिसकी वजह से दर्द उठता है पेशेंट को और वो पेशेंट कोलेसिस्टाइटिस में आते हैं। मेरा स्पेशलिटी सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी होने की वजह से मेरे पास लीवर पैंक्रियाज के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जिनको जॉन्डिस हो जाता है पैंक्रियाज में कैंसर होने की वजह से, या पित्त की नली का कैंसर होने की वजह से। इस तरह के पेशेंट्स के जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस रहते हैं ये ज़्यादातर पेशेंट आते हैं। तीसरा जो है वो आतड़ी का कैंसर, जैसे स्टमक का कैंसर हो जाए या बड़ी आतड़ी का कोई कैंसर हो जाए, इस तरह के पेशेंट्स हम ज़्यादातर देखते हैं या टैकल करते हैं। जी, अगर बात की जाए, बहुत सारे लोगों के एक कुछ मीथ है अलग अलग तरह के, कि कंटिन्यू अल्कोहल इंटेक के बाद अगर अल्कोहल एकदम से बंद कर दिया जाए तो बॉडी पे उसका अलग असर पड़ता है। बॉडी पर नहीं, उसका एक बेसिकली ऐसा है कि वो विड्रॉल सिम्टम्स में जाते हैं, न्यूरोलॉजिक असर होता है कि उनको सडनली अल्कोहल ना मिले तो विड्रॉल सिम्टम्स में जाते हैं। बॉडी का न्यूट्रिशन बिल्कुल ख़राब नहीं होता, न्यूट्रिशन इनफैक्ट इम्प्रूव होगा अगर अल्कोहल छोड़ेंगे तो, लेकिन पहले कुछ दिन तक पेशेंट विड्रॉल में जाते हैं। That withdrawal has to be managed. एक बार withdrawal manage हो जाए
तो शायद पेशेंट की हालत हम सुधार सकते हैं और पेशेंट को डी एडिक्शन के द्वारा अल्कोहल पूरी छुड़ा सकते हैं। जी 28 तारीख को वर्ल्ड रेयर डिजीज डे है, जिसके उपलक्ष्य पर आज हमने बात की रेयर डिजीज के ऊपर में, तो क्या कहेंगे आप, जनता को क्या संदेश देंगे इस माध्यम से? देखिए वर्ल्ड रेयर डिजीज डे, हमारे यहाँ जो रेयर डिजीजेस आज भी मिलते हैं, वो जो मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस में दिखा गया है वो है पित्त की थैली का कैंसर। पित्त की थैली का कैंसर हमारे यहाँ बहुत रेयर है, लेकिन ये दिखा जाता है उन पेशेंट्स में जिनमें पित्त की थैली के स्टोन्स कई सालों से है, जिनको उसकी तकलीफ है लेकिन पेशेंट्स उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं या उसको ऑपरेट नहीं कर रहे। इस तरह के पेशेंट में पित्त की थैली के स्टोन का इन्फेक्शन बार बार होने की वजह से कैंसर हो जाता है, जो कि बहुत रेयरली मिलता है और वो काफ़ी एडवांस स्टेज में मिलता है जो हमको मिलता है। तो अगर पेशेंट को अपने शरीर में राइट साइड में ऊपर कहीं दर्द हो रहा है, अगर बड़े बड़े स्टोन्स है पित्त की थैली में, तो उसको निकलवा ले, ये ज़्यादा अच्छा इलाज रहता है रादर देन लैंडिंग अप विथ कैंसर। पित्त की थैली के कैंसर के जो प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, राइट साइड में ऊपर की तरफ दर्द होना, हल्का हल्का सा दर्द जो कि दिन भर रहता है, खाने की इच्छा कम होना, वजन कम होना, ये सिम्टम्स को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी सर, अगर बात की जाए शरीर के बाकी ये सारे जो सब्जेक्ट है आपकी बारे में, अगर बात की जाए गैस्ट्रोलॉजी और ये सारे सब्जेक्ट की, तो अगर किसी व्यक्ति को आपसे संबंध संपर्क करना है इस संबंध में, तो किस तरह आपसे जुड़ सकता है? देखिए मेरा जो काम करने के, मैं तीन जगह काम करता हूँ। मेरा एक कुपड़ी है जो कि रामदास पेट में शर्हरी अपार्टमेंट में तीसरे माले पर है, जहाँ पर मैं सुबह और शाम विद अपॉइंटमेंट अपने पेशेंट्स देखता हूँ। दूसरा मेरा अटैचमेंट है मिलास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर मैं एज अ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट काम करता हूँ। और तीसरा राष्ट्र संत तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल में, जहाँ मैं हफ्ते के तीन दिन सुबह 9 से 12 तक मिलता हूँ, जहाँ कैंसर के पेशेंट्स का इलाज मैं करता हूँ। तो ये तीन जगह है जहाँ पर पेशेंट्स मुझे आकर कभी भी दिखा सकते हैं। कोई दूरध्वनि क्रमांक जिससे आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके? जो मेरा नंबर है वो है 7680951538, जिस पर हम हमारे ओपीडी के लिए आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।